नमस्ते, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग और मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। और जितने भी मेरे वैक्सीनेटर सहायक ग्रुप पर जो है जुड़े हैं लोग, जो भी मुझे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते हैं, सबको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों मैंने कई जगहों पर इस सैलरी को लेकर के जो है पोस्ट किया, ट्वीट किया, और जिनका जो भी जवाब आ रहा है मैं आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहूँगा। सरकार ने क्या किया है कि एक ऐसी गाड़ी पर बैठा करके आप लोगों को छोड़ दिया है और उसमें धक्का मार दिया है, लात से ऐसे बैठाए और उसके बाद ऐसे मार दिया लात कि जाओ साले जहाँ तक जाना हो। तो अब आपको जाना है तो जाओ, उतर जाना है तो उतर जाओ, वही हाल इस जॉब में हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी जो है, हमने जो है उनको ट्वीट किया था, आइए मैं दिखाता हूँ अपने ट्विटर अकाउंट से कि क्या उसका रिप्लाई आया क्या नहीं आया। आइए हम सबसे पहले अपना ट्विटर अकाउंट खोलते हैं और ले चलते हैं आपको ट्विटर पर। आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे होंगे, ये मेरा ट्विटर खुला, इसको साइड में लगाते हैं। ये एयरपोर्ट, एक मिनट, ये इसको छोटा करते हैं। प्रोफाइल, ट्वीट एंड रिट्वीट, देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये देखिए जो भी हमने जो है ट्वीट के माध्यम से जो है वो ट्वीट किया था हमने ट्विटर पे, कि इसमें 2-3 रुपए में कुछ हो नहीं रहा है, इनका जो है सैलरी को जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इसको बढ़ाया जाए। तो इसमें जो है दो लोगों ने भी कमेंट भी किया है ये, और रीट्वीट भी किया गया है कई बार, 3 बार रीट्वीट किया गया, 4 लोगों ने इसको लाइक किया है। तो जो लोग वहाँ से आए उन लोगों का जो है, जो भी वैक्सीनेटर और सहायक आए और यहाँ पर आकर के ट्वीट को रीट्वीट किया, उन सबको धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का भी उत्तरदायित्व है। एक मिनट बैठ जाते हैं। आप लोगों का भी जो है उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोग जो है इस जंग में लड़ें, और इस तरह का जैसे आप लोग जब रीट्वीट करते हैं तो वो चीज़ बार बार जो है जाती है। देखिए ये मनीष कुमार ने रीट्वीट में लिखा है कि सर इस बात पर आप जल्द से जल्द ध्यान दें और वैक्सीनेटर तथा सहायकों का मानदेय महीने से कर दे, जिससे ये लोग अपनी जीविका तो सही से चला सकें, धन्यवाद। फिर उसके बाद में अंकित वर्मा का जो है आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है इस बात पर जल्द से जल्द गौर करें। तो ऐसे अगर सभी लोग जो है आकर के ट्विटर पर और एक ही बात जो है बार बार कहोगे तो जो है जब ज़्यादा रीट्वीट होगा तो उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा, और एक लोगों के जो है करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तो हमने दिखाया जो है आपको कि सीएम के ट्वीट का क्या जवाब आया है। 2 जुलाई को किया गया था और आज जो है आप समझ सकते हैं कि आज 10 जो है जुलाई है, तो 8 दिन हो गया है, 8 दिन में अभी कोई जवाब जो है नहीं आया है उनके ऑफिशियल जो है उसकी तरफ से, सीएम ऑफिस यूपी से। तो आप सभी भी जो है जा कर के रिट्वीट करें, और सभी लोग फ़ोन चलाते हो, सभी लोग जो है आप भी वीडियो बनाइए, ग्रुप पे जुड़े हैं आप लोग भी, जो भी समस्या है आप बना करके और हमको जो है अपना वीडियो जो भी आपको कहना है आप सभी लोग जो है खुद भी कहिए और अपना जो है बना करके एक वीडियो और मुझको जो है दीजिए आप सभी लोग। इससे क्या होगा, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से बोलूँगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बोलने से कुछ होने वाला नहीं है कि मैं ही जो है बार बार वही चीज़ को उठाता रहूँगा तो कोई जो है क्या करेगा। बस आप लोगों के लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से ही काम नहीं होगा, आप लोगों को जो है कुछ अगर चाहते हैं तो आप लोग और भी मेहनत करना पड़ेगा।
तब कहीं जा करके कुछ होने वाला है। ये बहुत ही जानकारी जो है आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी जो थी हमारी तरफ से सैलरी को लेकर के ये थी। तो आप लोग भी जो है ट्विटर चलाते हैं, नहीं चलाते तो आप लोग जो है जाइए ट्विटर पर, ट्विटर वो अकाउंट बनाइए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, जो भी आपकी राय है उसको कमेंट में आप बताइए। उस वीडियो पर, उस मैटर पर मैं जो है वीडियो बनाऊंगा फिर से। और आप लोग को जो है जितने लोग ग्रुप से जुड़े हैं सभी लोग अपना जो भी कहना है कैमरा ऑन कीजिए, उठाइए कैमरा, और उसके बाद में कैमरे के सामने जो भी बोलना हो आप बोलिए, उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं स्वयं जो है उसको डालूँगा अपने यूट्यूब, और सारे लोग देखेंगे। तो आप लोग जो भी बोलना है उसको आप बना करके हमको दीजिए, और तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। और सभी लोग जो है किसानों के सभी बच्चे हैं, और इसमें जो है कोई बड़ा आदमी नहीं है, सारे लोग जो है वैक्सीनेटर और सहायक हैं, वो सब गरीब घर से हैं, कोई बहुत बड़े घर से नहीं है, नहीं तो ये जॉब ही ना करते। तो इसमें जो है तभी शोषण हो रहा है, और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा तब काम होगा। और ये जो है सरकार का भी कोई अधिकारी देखता है तो इस पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा उसको कि ये बहुत गलत बात है, और इसको जो है जल्द से जल्द जो है इनकी जो है सैलरी निर्धारित की जाए, क्योंकि जो है ये बहुत बड़ा अन्याय है कि काम करवा लेना उसके बाद सैलरी ना देना। चार चार पाँच पाँच छः छः महीने हो गए हैं, किसी को भी जो है कोई सैलरी नहीं मिली है। तो इस पर जो है आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिए, जो भी अधिकारीगण हैं, अधिकारी महोदय देख रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी खास। बाकी आगे जो भी बोलना होगा मैं बोलता रहूँगा, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती रहेंगी, जो भी जानकारियाँ होंगी मैं देता रहूँगा। तो उसके बाद में अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके आप और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रुप में जोड़ने की लोगों को कोशिश कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा वैक्सीनेटर और सहायक इस ग्रुप पर आ सकें, और ज़्यादा लोगों को ये जानकारियाँ मिल सकें, और उसका जो है उनको बेनिफिट हो सके, और एक बड़ा जो है थोड़ा सा ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आप लोग समझ रहे हैं उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि एक लोग के चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं है, आप जो है जो भी आपकी राय है वो कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर, ताकि जो है अगला वीडियो बनाऊं और क्या करूं मैं, आप लोग भी जो भी समझ में आ रहा है उसको बताइए, तो मैं उस हिसाब से बाकी अब अगले वीडियो में मैं जो है खत के माध्यम से जो है बताऊंगा सभी ऑफिस को जो है मैं खत लिखूंगा, और तो उसका भी वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा जो भी लिखूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।